अब पॉइंट ये है कि मैं तुम्हें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दूंगा और एक सुपर इम्पोजिंग इमेज के बारे में बताऊंगा। सुपर इम्पोजिंग इमेज को कैसे जानते हो ये बताता हूँ। सुपर इम्पोजिंग इमेज को तुम इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे हमारा ये हाथ, मैंने हाथ को उल्टा रखा है और सामने रखा है, और मेरे ये वाले हाथ, अगर मैं इस हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर लेके आऊँगा तो एकदम से एक दूसरे के पीछे क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। इसे कहते हैं सुपर इम्पोजिंग इमेज, ठीक है। मगर अगर मैं ये हाथ को ये हाथ के सामने लेके आऊँगा तो क्या ये गायब हो जाएंगे? नहीं, इनमें से कुछ चीज़ें गायब होंगी मगर कुछ चीज़ें गायब नहीं होंगी, इसे नॉन सुपर इम्पोजिंग इमेज कहते हैं। तो हम लोग आज क्या करने वाले हैं, आज का टॉपिक हमारा है एम्बेडेड इमेज। एम्बेडेड इमेज में हमें, मैं छोटे से कोई एक बड़ी सी इमेज का एक छोटा सा हिस्सा दूंगा और तुम्हें चार ऑप्शंस देंगे। उन चार ऑप्शंस में से तुम लोगों को पहचानना पड़ेगा कि वो जो मैंने तुम्हें छोटा सा इमेज की एक वो दी है, वो इनमें से किस चीज़ में पूरा फिट हो जाएगी। पूरा पूरा कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें देगी, जैसे ये वाली ऑब्जेक्ट क्या इस इमेज में फिट हो पाएगी? हाँ, तो हाँ दिख रहा है मुझे, इसके हाथों का है। ये वाली इमेज इसमें फिट हो पाएगी? हाँ, इसकी पैरों वाला इमेज वाला है उसमें फिट है। ये वाली इसमें फिट हो पाएगी? हाँ, नहीं। यही कंफ्यूजिंग है, हमें ये ध्यान देखो, इसके बाद एक स्ट्रेट लाइन थी देन मुड़ रहा था, मगर ये डायरेक्ट मुड़ गई है तो स्ट्रेट लाइन गायब है। कंफ्यूजिंग ऐसा तुम्हारे सामने अभी होगा, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें मिलेंगी जिसमें हम लोग कंफ्यूज होंगे। नेक्स्ट आता है क्या ये वाला होगा, इसको ध्यान देखो, ऑब्जेक्ट की लाइन लेंथ एंड उसके टेढ़ा। हम लोगों को पता लगा नॉन सुपर इम्पोजिंग इमेजेस को कैसे कैसे करते हैं, किस तरीके से किया जाएगा। डन, तो ये शीट्स मिलेंगी, मैं अलग अलग क्वेश्चन में सिनेरियो अलग अलग है, तुम्हें बस उनको समझना पड़ेगा। डन।